Namaskar. Hello, viewers. Welcome to another episode of Cultural Journey with Manushi, Sanskritik Safar Manushi ke saath mein. Aaj ye hamara saubhagya hai ki hamare saath studio mein hain vishwa vikhyat tabla nawaz ustad Sukhvinder Singh Pinky ji, jo ke Banaras gharane se taluq rakhte hain. Aaiye, aaj hum unke saath chalenge unke sangeetik safar par. आपका बहुत बहुत स्वागत सुखविंदर जी. आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है. हमारी बहुत बड़ी खुशी नसीबी है कि आपको मैं आके यहाँ पे मिल सका और संगीत के बारे में चर्चा होगी आज. जी ज़रूर, हम तो शुरुआत ही करेंगे कि आपके इस सांगीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई. देखिए, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ. मेरे माता पिता जी, मेरी मदर जो हैं वो नैरोबी से ताल्लुक रखते हैं. जी जी, है ना, वहाँ पे बॉर्न एंड ग्रोट अप देयर. तो जब इंडिया आ गए तो उनका शादी फिर एक ऐसे परिवार में होता है जो कि साधु संतों का परिवार है. मेरे फादर साहब होशियारपुर ज़िले के हैं और श्री भैनी साहब में उन्होंने सेवा की 60-70 साल उन्होंने, क्योंकि मेरे नानके परिवार में बहुत लोग थे, मेरी मौसियाँ, मेरे मामा लोग. तो मेरी नानी जी ने फिर छोटी उम्र में ही शादी कर दी मेरी माँ की, जैसे मुझे पता है घर में. जी जी जी, है ना. तो ऐसे सिलसिला बस चला है. फिर हम लोग तीन भाई हुए, हम बीच के हैं. बड़े भाई जो हमारे हैं वो वोकल सीखते हैं और छोटे जो हैं वो सितार बहुत अच्छा बजाते हैं. और लेकिन फ़कीर हैं वो, है ना, उन्होंने अभी तक शादी वादी नहीं की. तो ऐसे हमारे घर का माहौल जो था वो एक ऐसा रहा कि सुबह कीर्तन भजन, आसादीवार का कीर्तन, और फिर दोपहर में पूजा होती थी एक घंटे की, और फिर उसमें सुनना, लोगों को सुनना, बड़े बड़े जो संगीतकार वहाँ थे. हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये क्या मतलब हो रहा है, लेकिन संस्कार जो बने वो हमारे माता पिता से मिले हमें, और बड़ा खुशी नसीब हुआ. तो आप जब संगीत के इस सफर पर चले, आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन आपको गुरुओं का सान्निध्य कैसे मिला? एक कहानी में ऐसा प्रचलित है आपके बारे में कि आपको उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब जो है वो शागिर्दी में लेना चाह रहे थे, मगर फिर आप पंडित किशन महाराज जी के पास सीखने गए. इसके पीछे क्या कहानी है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है. सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि नानके घर में लुधियाना में मैं डालते डिब्बे खाली बॉक्स बजाया करता था. मेरे नाना जी ने जो गली में इंस्ट्रूमेंट बेचते थे उन दिनों में, 70s की बात कर रहा हूँ, तो गलियों में ढोलक बेचते थे या डमरू बेचते थे या कुछ ऐसा कुछ था. तो मेरे नाना जी ने एक स्केल चेंजर, छोटा हारमोनियम मेरे भाई के लिए और ढोलकी. अब वो आवाज़ तो निकले ना उसमें, तो वर्कशॉप थी मेरे नाना जी की, तो मैं हथौड़ी लेके उसको फाड़ दिया. तो नाना जी बोले बेटा ऐसे तो नहीं करना है. तो एक और ढोलकी आ गई. वो अभी तक मेरे पास 4-5 ढोलक पड़ी हैं जो बचपन में 5-6 साल का रहा हूँगा मैं, तो वो ढोलकियाँ अभी तक रखी हुई हैं. तो मेरी नानी जी ने ये सोचा कि आज हमारे हजूर
नामधारी दरबार के सदगुरु बाबा हेड ऑफ नामधारी सिख सदगुरु जगजीत सिंह जी महाराज जी, वो लुधियाना आए हुए थे। तो नाना जी ने एक शब्द सिखाया था मेरे बड़े भाई को, उदो शब्दा दा होड़ा लाइए जदों मन डोलदा दिसे, कि जब मन आपका उदास हो तब उसके बाद गुरु का आसरा लेना, ऐसा कुछ शब्द था। तो हम गए और ढोलक इतनी बड़ी थी, तो मैं पैर डाल के रस्सी ऐसे करके तो मैं लगा बजाने, उदो शब्द दा होड़ा लाइए जदों मन डोलदा दिसे। मेरा भाई सदगुरु जी इतने खुश हुए, बोले ये लड़के कौन है, कहाँ रहते हैं? तो किसी ने बताया जी ये अमरजीत, मेरी मम का नाम है, मेरे फादर साहब संतोख सिंह जी। तो बोले ये तो बहनी साहब आएंगे बच्चे, तो हमें उनका हुक्म हुआ, हम शहर से गांव बहनी साहब सदगुरु जी के आश्रम में पहुंच गए। जब वहां पे जब पहुंच गए तो वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि पुराने रागी साहबान, रागी दर्शन सिंह जी, रागी खजान सिंह जी जो कि रावलपिंडी से उनका ताल्लुक रहा, बहुत विद्वान, तो उनको सुनने का सौभाग्य मिला। और सदगुरु जी ने फिर निगाह, कहते ना जब किसी की किस्मत में कुछ होना होता है तो पीर पैगंबर खुद ही उसको ढूंढ लेते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ हुआ, कुछ रागी साहबान बड़े लोग थे आए हुए, तो सतगुरु जी ने बोला आप लोगों में से कोई तबला जानता है बजाना, क्यों ढोलकी तो मैं बजाता ही था। तो मेरा भाई उठ के खड़ा हो गया, बोले जी मेरा भाई, मैं उसका कुर्ता पकड़ के खींच रहा, मैं बोला यार हमें कहाँ आता है, आप चुपचाप बैठो। तो बोले बेटा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आओ। मैं उस समय 7 साल का था, तो बोले बेटा आगे आ जाओ। जब आगे आया मैं, बोले 3 ताल का ठेका जानते हो? मैं कहा जी 3 धा लगने हैं, मेरे नाना जी ने कुछ बताया था। तो मैं 20 मात्र का, 16 मात्रा का होता है 3 ताल, और सभी हंसने लगे, बोले देखो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन धा, ये ठेका मुझे। वो हंसने लगे, बोले ठीक ठीक ठीक, बोले। इतनी देर में बाबा निहाल सिंह जी गमछा ऐसे अपने कंधे पे रखे हुए, मुझे नहीं पता कौन है वो, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बाबा निहाल सिंह जी को, मुझे तो नाम भी नहीं पता था, कोई पता ही नहीं था। तो वो आते हैं दरबार में, तो सदगुरु बाबा बोलते हैं बाबा जी देखिए आपको एक सरप्राइज देते हैं, आज एक लड़का आपकी झोली में डालना है। उन्होंने नमस्कार किया, ऐसे उनका हाथ पकड़े, देखिए उस्तादी शिगिर्दी कैसे होती है उन दिनों में, ऐसे उनका हाथ लिए हमारे हजूर, और बाबा जी का हाथ ऐसे उनके हाथ में हमारा हाथ दे दिया। बोले आज के बाद ये बच्चा आपका है, जो चीज़ की ज़रूरत हो आज हमें बोलिए, हम वो आपका फिलफुल करेंगे, पर इस बच्चे को तालीम। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, मुझे बुलाते हैं, जो कमरा उनका था 72 नंबर, मुझे मेरे पास फ़ोटोएँ हैं अभी भी। तो वहाँ मैं गया उनके पास, मैं कहा जी कैसे बजाना है क्या? बोले बेटा दूता दूता दूता, ये एक शुरुआत का रख रखाव जैसे तबले में ना तिन जी, बेसिक। तो वो दूता मेरा एक इतना स्पष्ट, मतलब पहली बार में ही हुआ, तो बड़े खुश हुए। तालीम वहीं से शुरू होती है मेरी, 4 बोल जो पंजाब के धा ते टे ते टे गिदू न तकता गदी गे ना धा ते टे के टत्ता गे ते टकता गदू गे ना धा ते टकता गदू गे ना धा 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 ते टकता गदू गे ना धा, ये चला। मेरे को ऐसी मतलब एक लगन लग गई उस 4 बोलों से, मैं तबला साथ में लेके सोने लगा। मेरी माँ ने बोलना, बोले बेटा अब इसको रहने दे, क्योंकि जोड़ी का तबला जो है ना वो बड़ा होता है इसे, तो मैं बस उसके साथ बस लिपट के रहना। और सदगुरु जी ने मेरी प्रोग्रेस देखनी डे बाय डे, उन्होंने बहुत खुश होते थे कि ये लड़का का कुछ संबंध है। तो उस्ताद निहाल सिंह जी बाबा जी मेरे, उनका भी एक मेरे साथ ऐसा एक प्यार बन गया, रात दिन बस उनके पास बैठे रहना मैंने। फिर पासपोर्ट हमारा बना एज ऑफ 9 और 10, तो मेरी जो पासपोर्ट फोटो थी ना वो बाबा निहाल सिंह जी अपनी जेब में लेके रखते थे,
तो उससे बात करते रहते थे, मेरा पुटरू, मेरा कुकू, मेरा ऐसा, इतनी मोहब्बत उनकी थी मेरे साथ। तो रिसाइट करवाते थे बोल, मतलब शुरुआत में ही उन्होंने इतने विकट बोल मुझे बताने शुरू किए। मैं खुद सोचता था कभी कभी कि ये मेरे को कैसे याद होता है, ये क्या मतलब हो रहा है कि कैसे, मतलब वो लिख देते थे है ना कंपोजिशन, तो साथ में कह देते थे कि मैं आऊँगा पराठा खाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ से उन्होंने एक वादा, बोले कि मैं इस बच्चे को सिखाऊंगा मुझे सुबह का नाश्ता और दोपहर में एक बार खाना हम खाएंगे और बाकी ठीक है। तो मेरे को भी खेलने कूदने का बहुत शौक रहा, कबड्डी खेलने, कभी चले जाना अपने खेतों में है ना, पतंग उड़ाने चले जाना कभी। तो उस्ताद जी मेरा पीछा करते थे, बोले कितने कौन से लड़कों के साथ ये बैठता है, तो पकड़ के ले आते थे है ना। तो ऐसे चलता गया सिलसिला हमारा। तो दिल्ली में प्रोग्राम एक हम सुनने गए, सदगुरु जी ने भेजा हमें। अच्छा। तो बोले आज बहुत बड़ा प्रोग्राम एक कमानी ऑडिटोरियम में होने वाला है, जिसमें उस्ताद अली कब्र खान साहब और पंडित किशन महाराज जी। अब ये नाम सुन लिए हमने, ना शक्ल देखी, ना पता कौन है, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे थे हम लोग उस समय, मैं शायद 9 साल का रहा हूँगा। तो अपने भाई लोगों के साथ, ग्रुप के साथ चले गए देखने। जब मैंने वो पर्सनैलिटी देखी अपने गुरुजी को ब्रज आसन में बैठते हुए, टीका लगाए हुए अली अकबर खान साहब, तो वो एक ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। तो मेरे मन में एक ये तय कर लिया कि अगर सीखना है तो इनसे सीखना है। अच्छा। ठीक है जी। तो शेर तो लोक सिंह एक हमारे नामधारी दरबार के बहुत ही एक सेवादार रहे हैं, थाईलैंड के हैं वो, तो उनके घर पे पूसा रोड 1/6 भी पूसा रोड, आज भी मुझे एड्रेस याद है। तो वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया और बुला के एक बहुत बड़ा एक थाल में सजावट करके, उस टाइम पे मेरा ख्याल 21,000 या जो भी, 1977 की बात है ये, तो उस समय हमारा गंडा बंधन होता है। ठीक है जी। और मज़े की बात ये देखिए, उससे पहले एक महीना पहले हम बॉम्बे सदगुरु प्रताप सिंह संगीत सम्मेलन के लिए हम गए हुए थे, तो वहाँ पे मैंने जोड़ी बजाया, बाबा निहाल सिंह जी मेरे साथ स्टेज पे ऐसे तबला होल्ड करके बैठे हैं, मेरा बड़े भाई सुखदेव सिंह जी वो हारमोनियम पे, और 16.5 मात्र की मेरे को आइटम उन्होंने तैयार करवाई थी। कहते ना तोते को जैसे रटा दिया जाता है, मुझे लय वय के बारे में कुछ इतना ज्ञान कुछ भी नहीं था, लेकिन जो वो बता देते थे वो मैं बड़ी शिद्दत से कर जाता था। ये कृपा सदगुरु जी के, माता पिता के संस्कार, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप वो हो जाता था। तो जब मैं वो बजाया, कोई एक घंटा करीब, सवा घंटा मैं जोड़ी बजाया वहाँ, तो अब्बा जी ने कहीं बोल दिया सदगुरु जी को कि बोले ये लड़का पंजाब का है, क्योंकि निहाल सिंह जी और हम गुरु भाई हैं भाई नसीरा जी, क्योंकि उनके पूरा मियाँ कादर बख्श जी की लेनी जो है उससे मेरा संबंध बहुत गहरा है। तो उन्होंने ये बोल दिया तो सदगुरु जी थोड़े से ऐसे हो गए। अब उनको पता था कि इसका तो एक हफ्ते पहले गंडा बंधन किया, तो वो जो मन में उनके ये रहा, तो फिर अब्बा जी बोले अच्छा किशन महाराज जी के पास भेजा है, तो बोले वो भी मेरा भाई है, कोई बात नहीं है कि, लेकिन बच्चा मेरा है ये, वो इतना अधिकार रखते थे है ना। तो जब भी मैं बॉम्बे, ये तो फिर बाद की बात है जब मेरा करियर शुरू होता है, फिर अब्बा जी के पास तो हमारा जाना होता ही था, फिर पढ़ंत होती थी एक चीज, वो बोलते बोले निहाल ने तुमने ये भी बताया, एक टुकड़ा वो बोलते थे उसका जोड़ी मैं बोलता था, मैं जोड़ी बोलता था अब्बा जी, फिर उसका एक बोलते बोले तुझे इतनी भी विद्या दे के गए हैं बाबा निहाल सिंह, मैं कहा जी बस कृपा है आपकी, आपने भी बताना है, सभी से सीखना है मुझे। कई बार जाकिर भाई वहाँ पे नहाने के लिए आ जाते थे, तो वो निकलते थे टावले के, अरे पिंकी भाई आया हुआ है, अब्बा जी के साथ बातचीत हो रही है, क्या क्या हो रहा है भाई, तो वो तैयार होके फिर वो भी निकल जाते थे। तो बड़ी एक खूबसूरत हमारी जर्नी रही है, हमारा बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, मुझे गुरु और पीर पैगंबर सदगुरु संपूर्ण मिले। क्या बात है? ये बहुत एक नसीब से प्राप्त होती है ये बात, क्योंकि जो के पहुँचे हों जिनकी एक लाइट हो, ऐसे ही हमारे सदगुरु जी ने पूरा हमारे ज़िंदगी का लेखा जोखा उन्होंने बनाया। तो बनारस भी जब मैं जाता हूँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शागिर्द तो हो गए, बॉम्बे भी जाए, सब कुछ हो गया,
जब वो बोले कि बनारस जाके सीखना, मैं कहा कितनी दूर है बनारस, तो बोले पास में ही है। तब लुधियाना से जब मेरी माँ ने बाय बाय करके ट्रेन पे चढ़ा दिया, मानुषी जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक मोमेंट आज भी मुझे याद आती है। मेरी माँ 18 साल 20 साल मैं बनारस में रहा, हमारे सदगुरु जी का हुक्म था कि अमरजीत तुमने नहीं जाना पिंकी के पास, उसका मनोबल डोलेगा, वो उदास होगा, उसको अकेले ही रहने दो, उसको ज़िंदगी का सफ़र खुद तय करना है, तुम्हें नहीं। सोचिए 77 से लेके आखिर तक मेरी माँ ने अभी तक मेरे गुरु परिवार देखा ही नहीं, बिलीव कर सकते हैं। अभी वो 86 की हो गई है मेरी माँ, फादर साहब 2 साल पहले हमको विदाई दे गए। तो वो जब मैं ट्रेन से जाके देखता हूँ बनारस, ओहो माय गॉड, रोते हुए गया मैं, फिर नींद आ गई, बर्थ पे चढ़ गए, सो गए, बनारस आ गया सुबह, काशी नगरी वाराणसी बनारस, चलिए बनारस पहुँच गए, गुरुजी के घर गया, मैं देख के खुश हो गया, मैं कह रही आप ही को तो सुना था दिल्ली में अली अकबर खान साहब, आओ बेटा बैठो। तो सभी और जो मेरे गुरु भाई लोग थे उस समय जो सीखते थे गुरुजी से, तो वो सब इकट्ठा हो गए, बोले तबला लाए हो, मैं कहा गुरुजी मेरे पास जोड़ी है, तबला तो अभी खरीदना है, चलो जोड़ी खोलो, आटा लेके आओ भाई कहीं से। तो वो आटा लेके आए, मैं खुश हो गया, तो गुरुजी ने अपना तबला रख लिया सामने। ये शुरुआत की ही बात हो रही है, पहला दिन मेरे गुरुजी के घर का कैसे बीतता है, तो इंट्रोडक्शन मेरा होता है, तो मैं आटा लगा के, मैं कहा गुरुजी क्या सुनाऊं, मुझे हिंदी भी नहीं आती थी बोलने, तो पंजाबी में ही कुछ बात करता था मैं। तो बोले जो सीखे हो अपने उस्ताद से, तो मैं कह रही चौताल चले, बोले ठीक चौताल चलो। हम अपना लेके जैसे ही शुरू हुए जो उस्ताद जी ने बताया था, और जैसे ही मैं हटूँ बोल बजा के टुकड़ा, तैसे ही मेरे गुरु जी शुरू कर दें। तो मैं ऐसे देखने लगा, मैं कहा मैं वो तो मैं सीखा हूँ बाबा न्यासी से, इनको ये चीज़ कैसे पता है। वो कुछ उसका घमाव करके अपना वो बांधते थे, तो मैं हंसने लगा, मैं ऐसे आऊँ जो लेके गए थे मुझे पंजाब से उनको देर में, ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं। फिर उसके बाद मैं एक टुकड़ा बजाऊं, कृतकता कृतकदूटे कृतकता धादुता कृतकता गुरु जी तक नादर कर, मैं हैरान और खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने बोला बस बस, मैं कहा अंकल अब आप जाओ, मैं कहा मेरी दोस्ती हो गई गुरु जी से। उसके बाद गुरु जी इतने खुश हुए, बोले कि बस ये लड़का बनेगा और तुम्हें बेटा सेवा करना है, और तुझे क्योंकि हम थोड़ा गुस्से वाले भी हैं, है ना, जो भी बात हो हमसे स्पष्ट करना, ये देखो तुम्हारी गुरु बहनें हैं ऐसे उन्होंने इंट्रोडक्शन, ये तुम्हारी गुरु माँ है, और हमारे घर में 150 कबूतर है बगीचे में दिखाया उस समय, अच्छा। तुम्हें इसकी सेवा करनी है, 6 डॉग थे जर्मन शेपर्ड, तो बोले ये सब तुम्हारी एक सेवा के हिस्सा है, ये करना है, झाड़ू पोछा सब दिखा दिया। बोले बेटा यहाँ नौकर कोई नहीं आता, यहाँ सेवादार सेवा करते हैं, क्योंकि उनकी एक हवेली, इतनी बड़ा घर उनका और परिवार बहुत बड़ा जी। तो बस मेरी फिर यात्रा शुरू होती है। क्या बात है, आप इतनी बातें बता रहे हैं और मेरे दिमाग में इतने सवाल आ रहे हैं, तो मैं पहले तो ये सवाल पूछूं कि आप जोड़ी की बात कर रहे हैं जी, और आप तबला की बात कर रहे हैं जी, जी। और जितना मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि जोड़ी से ही तबला का इजाद हुआ जी, जी। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, जरूर जी जरूर। तबला देखिए किस तरह से, ऐसा है कि सबसे पहले तो बात करें हम मृदंग जी, पखावज जी, जी। तो वो अपने आप में एक संपूर्ण साज है जो कि गणेश जी ने भी बजाया जी। जैसे आपने उस स्थिति मेरे गुरु जी से सुनी होगी रिकॉर्डिंग में, गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राज ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपत गाम अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, है ना। तो फिर उसकी भी आगे बात है, बोलते धट धरात धर धर कर ध्यान दिन 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 आगे नागे धन धन तिन तिन ताके नाना त्रदी गिन दृग दृग दिनक धिनकता करदान कीर्तक धरा न तरा न धा। इसका भी गणेश जी ने जो मृदंग बजा दी ऐसा मैसेज दे दिया कि धट धरा, क्यों धट कहते हैं द्योड़ी को, धट धरात धर धर कर ध्यान, बोले वो तो पखावज का बोल भी है। तो जो गुरु की कीर्ति करते हैं तो बड़े धन है वो, जो नहीं करते उनको तिन ताके नाना त्रदिघिन दृग दृग उनकी आंखों पे दितकार है जो उसकी उपासना नहीं करते। ये मेरे गुरु जी ने वो भी सिखाया हमें।
तो जोड़ी का जो आपने पूछा, जोड़ी अपने आप में एक संपूर्ण साज रहा हमारे सिखिज्म में, उसको ध्रुपद धमार में, कीर्तन में उसको यूज किया जाता था, महफिलों में उसको बजाया जाता था, क्योंकि इसकी बाद में जैसे तबला आया, तबला का आविष्कार हुआ है दुक्कड़ से, तासा निखाड़ा जो शादी ब्याह में बजाते थे शहनाई के साथ। अभी देखिए शहनाई की बात करें, तबले की बात करें, ये सब पिछड़े हुए साज थे एक समय, तो बाद में इसके ऊपर स्याही रख के इसका बामा बना, और जोड़ी जो है उसमें आटा लगता है और उसका आकार बड़ा है जोड़ी का, है ना, वो ध्रुपद धमार की शैली है, वो बड़ा खूबसूरत साज है। वो भी कभी भगवान की कृपा हुई तो आपको उसके भी दर्शन करवाएंगे। ये बहुत अच्छे साज हैं। कुछ लोग का मानना ये है कि जी फलानी लकड़ को काट के फिर उसका जोड़ी बन गया मृदंग को। आप एक चीज़ सोचिए, एक लॉजिक है, क्या जंगल में क्या एक ही लकड़ी थी? जो किताबों में आज पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, जी वो सिदार खान जी ने इसका आविष्कार कर दिया, फलाने खान साहब ने ये कर दिया, उसको मृदंग को काट के बीच में तबला बन गया, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं नहीं मानता, लॉजिकली मैं नहीं मानता। अगर एक चीज़ बनती है जंगल में, इतनी लकड़ी है, कुछ भी बनाओ आप, सितार बनाइए, दुक्कड़ बनाइए, तबला बनाइए, कुछ भी, है ना, कोई ऐसी बात थोड़ी है। पहले तो लकड़ बहुत ज़्यादा थी, अब तो शॉर्टेज होगी जैसे जैसे, मुश्किल हो गया। तो मृदंग अपने आप में संपूर्ण साज रहा, जोड़ी अपने आप में संपूर्ण साज रहा, क्योंकि हमारे गोल्डन टेम्पल में इसकी प्रथा थी कि आटे वाला धामा और बड़ा तबला, तो कीर्तन की ये एक पहचान और साज इस राज। आज हारमोनियम आ गए, क्योंकि अभी सोना लग गया है ना वहाँ पे, तो पहले ऐसे ही कमरे थे तो आटा चिपकता था ऊपर छत में, ऐसे लोग थे रबाबी लोग, ऐसा बजाते गाते थे जैसे सुनने में आया है। तो उनमें से थे मेरे बाबा निहाल सिंह जी, उनका नाम बड़ा बिकट रहा है अपने टाइम पे, बहुत ही बिकट प्लेयर थे, ऐसे ऐसे अरसे चलते थे, उतनी लय में तो कोई गाता बजाता ही नहीं। मैं जिनके पास रुका हूँ ना, उस बेटे का नाम है जसमीत सिंह जाना। अब उनके फादर को बहुत शौक है, इतनी रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं उनके पास, और वो कहते हैं कि जी हमारे पास फलानी रिकॉर्डिंग है, ये बिलावल थाट के ये रूप है, उसका ये है उतना, मतलब लोगों को रागों के नाम भी नहीं पता। तो वो मुझे शेयर करते हैं मेरे साथ, बोले फलाने वो सुमंद सिंह ऐसा गाते थे, पिंकी जी वैसे, हमारी घंटों बातचीत होती है। उनका नाम बलबीर सिंह चाना है, तो तीन बच्चे उनके भी हैं, बड़े ही होनहार। हरदीप उनका बेटा जो है वो भी बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। जसमीत तो मेरा शागिर्द है ही, है ना, प्रोफेसर रंजीत सिंह से सीखे वो, हनी भाई से सीखे, और हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं टोरंटो में। हमको हमारा खुश नसीबी है हमको कि इतने सालों से हम यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों के, एक मेहर सिंह विर्क करके लड़का है हमारा, छोटा सा था, कैसे उसको भागे लगे, उनके माँ बाप की सपोर्ट रही, आज उसका भी नाम हो रहा है, वो भी बजा रहा है, है ना? जी जी, आप जब ये सब की बात कर रहे हैं तो मैं, मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि उस समय जब आप सीखा करते थे, गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से आप गए, अपने गुरु जी से आपने सीखा बनारस में रहकर, मगर आज दौर बदल चुका है और इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा तो नहीं चल पा रही, क्योंकि प्रैक्टिकल रीजंस हैं। जी जी, तो जी, आज आप किस तरह से सिखाते हैं? इतने आपके तो सारी दुनिया में शिष्य हैं, तो किस तरह से सिखाते हैं? क्या ऑनलाइन भी कुछ सिखाते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि ये आजकल के सिखाने का जो तरीका है वो, और पहले का जो तरीका था वो, और आज भी वैसे ही शिष्य तैयार करने के लिए किस तरह से गुरु को अपने को, खुद को बदलना भी पड़ा, थोड़ा सा उनको अपना तरीका भी बदलना पड़ा? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। पहले तो मैं गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कुछ ये बताऊंगा कि वो जो समय था 70s 60s का, उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे जी। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि गुरुओं के घरों में वो साधन भी नहीं थे। जो पुराने लोग थे उनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं था, है ना, उनके पास कोई मतलब हूवर नहीं था। तो पहली कंडीशन गुरु की ये होती थी, जो भी कहीं से भी दूसरी स्टेट से बच्चा आएगा सीखने, तो उसको ये मानना पड़ेगा कि आप सेवा कर पाओगे कि नहीं। उनकी कंडीशन, बेटा मालिश करने आता है,
झाड़ू पोछा लगाने आता है, ये रिक्वायरमेंट्स होती थी तो पहले के समय में। तो अब दौर बदल गया है, जब मोबाइल फोन आ गए, वॉशिंग मशीन। अब गुरु क्या कहते हैं आज के दौर में कि भाई आप पैसा दे सकोगे हमारी फीस जो है, पहले तो ये नहीं था, गुरु लोग पैसा तो मांगते। अब मैं गुरु जी के पास रहा 18-20 साल, आप क्या सोचते हैं कि वो हमसे एक महीने का पैसा लेते थे? नो, जो हम, क्योंकि हम उनके बस समर्पित थे, हम जो प्रोग्राम करते थे उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ, जब हमारा करियर शुरू होता है तो जो पहला कमाई हुआ हम उनके चरणों पे लाके रख दिए। तो बोले बेटा ये क्या, तुमको तो 100 रुपया हमें महीने का मिलता था, मतलब बड़ा एक, कितनी बातें हैं मैं आपको बताऊं, रात तक भी बैठ के हम लोग बातें करे रहे, वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि याद आती हैं, क्योंकि लिखा तो कुछ है नहीं हमने, ऐसे ही आप पूछ रहे हैं, मुझे याद आ रहा है, तो उसी में हम बस बात करते जा रहे हैं। और आज के दौर में क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं हर जगह से, तो लेकिन जो फिजिकल फेस टू फेस जो तालीम होती है ना, उसमें उसकी बात कुछ और ही है, है ना। तो इसलिए मैं टोरंटो भी जब मेरा आना होता है तो उसमें यही बात होती है कि ये बच्चे सभी जब छुट्टियों में कह लो या कुछ ऐसा जब प्लान बनाते हैं, तो हम लोग समझ लीजिए कोई ये नहीं होता 1 घंटे की क्लास है या कुछ, वो एक कहते ना आप गवाइए ता शॉप आइए, ये बात तो अपना आप गवाना पड़ता है। तो फिर अगर किसी को शागिर्द मान लिया, फिर उसको ऐसे नहीं कि भी 1 घंटे की क्लास होगी बेटा अब हम जाके सो रहे हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं हमारे फील्ड में जिनको मेकअप से ही फुर्सत नहीं, वो मेकअप में ही ध्यान ज़्यादा देते हैं, शागिर्द से तबले की खिच्ची लगवा ली, ये कर लिया वो कर लिया, अरे भाई ये तो फकीरी का काम है ना, इसमें तो टाइम देना पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों के साथ समझ लीजिए जब बैठ जाता हूँ घड़ी नहीं देखता, फिर मैं मुझे भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हम अपने आप को जब शागिर्द समझ के चलेंगे ना तो हम सीखते ही जाएंगे। अगर हम गुरु का ठप्पा लगा के उस्ताद का, वो फिर चलो कहने की बात है, उन्हीं के नाम को बड़ा करना होता है, लेकिन दिल दिमाग जो है वो हमारा आज भी शागिर्दी में ही है, कि हम अपना सीखना चाहते हैं। जब ये टाइटल हो जाता है ना गुरु जी, उसमें फिर फुल स्टॉप लग जाता है, मैं वो चाहता नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शागिर्द ही रहूँ और अपनी जो गुरुओं की जो हमके विद्या जो मिली है उसका प्रसार में आगे बांटता रहूं। क्योंकि सदगुरु जगजीत सिंह जी ने एक बात कही थी, बोले पिंकी तुम 1% दोगे ना 4% तुम्हारा आएगा। तो वो हो रहा है मेरे साथ, तो इसलिए कोई हमको छुपाना नहीं पड़ता, जो भी कॉम्पोजिशन होती है उसी समय शेयर करता हूँ मैं बच्चों से, तो उसमें मजा आता है मुझे। आप बनारस घराना से ताल्लुक रखते हैं और बनारस घराना, अगर हमें आशीर्वाद स्वरूप, आप बहुत सारे पंडित भी कुछ कह रहे थे जी, तो जी, जी, कुछ अगर हमें दिखाएं सुनाएं, हमारे दर्शक भी और हम सभी जरूर 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 लाभान्वित भी होंगे। अरे वाह, आशीर्वाद होगा जी। जो कि अब हम लोग बात कर रहे थे कि बनारस घराना, हर एक घराने की विशेषता रही है और है। तो बात करें शुरुआत की, पंजाब से ही सभी वेद ग्रंथ घराने शुरुआत पंजाब से ही हुई, लखनऊ बस गए, लखनऊ से बनारस चले गए। जब कुछ एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीन पीढ़ी जब काम कर जाती है कहीं भी, तो वो घराने स्थापित हो जाते हैं। तो विशेषता की बात करके उस्तति कैसे हमारे गुरु पंडित किशन महाराज जी कैसे निकास बताते थे, जैसे घना नाम गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सो है भुजाचारी एक दंत चंद्रमा। देखिए कैसे शब्द बोलता है, चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपत गावे अति बचित्र, क्या बात, अति बचित्र गणिनाथ आज मरदंग बजावे। मतलब ऐसा निकास, श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथ गजाननम धा, कत
कत घिन न घि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 
दी जाती है, और दूसरे घरानों में शांति का काम है धतिदा धतिदा के नदा ये हमारे बनारस की खास है, मेरे गुरु जी के फादर साहब पंडित कंठे महाराज जी। जब हम बात कर रहे थे जोड़ी की जी, तो फिर जोड़ी की आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं आज के बाद, आज तबला आने के बाद क्या आपको लगता है कि ये लुप्त होता जा रहा है? जी जी जी, क्योंकि वो ज़्यादा हम चाहते हैं कि इसको दुनिया के सामने लाया जाए, और मेरा यही कोशिश है कि तबले के प्रोग्राम के पहले जोड़ी का प्रोग्राम मैं किया करूँ, लोगों को पता चले। क्योंकि अभी देखिए 2 साल पहले की बात है, जाकिर भाई का हमें मैसेज आया कि पिंकी भाई जोड़ी लेके आओ, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अब्बा जी की बरसी में मैं बॉम्बे में बजाया जोड़ी, और महाराष्ट्र में कम से कम नहीं तो 500 5000 10000 तबला वादक है, यू नो दैट। तो उसमें जब जोड़ी का काम हुआ तो सभी का इच्छा हुई कि इसको भी सीखना चाहिए। पंजाब में भी कुछ अब कोशिश में लगे हुए हैं कि जोड़ी सीखा जाए, लेकिन सिखाए कौन जी। कोई और तो कोई है नहीं बजाने गाने वाला, कुछ चंद लोग हैं लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है जी। है ना, तो वो 2-4 चीज़ें लेके बैठे हैं, कुछ हमसे कुछ किसी ने सीखा, वो भी अपनी एकेडमी खोल के अपना काम चलाते हैं। मुझे पैसा चाहिए सब किसी को, लेकिन वो सोचते नहीं कि उसको पहले समझ लिया जाए उसके बाद काम करें। तो अभी ये जसमीत चाना जी हो गए, मेहर सिंह हो गए, ये लोग सीखते हैं। मेहर सिंह बहुत अच्छा बजा रहे हैं समय जोड़ी, और ये पूरा विश्वास है हमको कि जोड़ी वापस फिर आएगी और ऐसा रेगुलेशन लेके आएगी तो लोग बजाएंगे, और गुरु घरों में भी जोड़ी का प्रभाव चलेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि कहते हैं ना, गुरुओं की जो चीज़ बनाई हुई वो कभी देर जरूर हो जाती है, लेकिन वो वापस जरूर आएगा काम, है ना। तो ये एक दौर है, दौर में कई कुछ इधर उधर होता है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ी में, हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसी कैसी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी हैं। बोले करुणा निधान वेद कहत बख्यान जाकी बीच तीन लोक फैल रही है सुबासुरी। कितनी खूबसूरत बात है, करुणा निधान वेद कहत बख्यान जाकी बीच तीन लोक फैल रही है सुबासुरी। देवन की कन्या रागी सुन 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 मैं ताई ताई आवे तज कह सुरग बासुरी। हवै कर प्रसन्न रूप राग को निहार कहो रचियो है विधाता रागन को बासुरी। रिज सब गन उड गन में मगन जब जब उपबन में बजाई कान बांसुरी। कैसी उस्तत की है कृष्ण भगवान की, उन्होंने बांसुरी के ऊपर कर दिया। और इस बंदिश को मैंने क्यों बताया, क्योंकि जोड़ी पे हमारे सदगुरु जगजीत सिंह जी ने 15 मात्र में इसको निबद्ध किया। सोचिए आप कैसे कैसे ताल, बसंत ताल, इंद्र ताल, रुद्र ताल, ये जोड़ी के ताल हैं जो कि सुनने को नहीं मिलते, है ना। तो इसलिए मैंने ये बात कह डाली, है ना, करुणा निधान वेद वाली। गुरु जी आपके तो बहुत अवार्ड्स मिले हैं आपको, जिसमें से ग्रैमी अवार्ड
पाना तो बहुत बड़ी बात की है, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी जरूर जरूर, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो मैं 1989 में टूर करना शुरू कर दिया था विश्वा मोहन भट्ट जी के साथ, यूएस टूर। तो हमारे प्रमोटर थे बी एन दीक्षित जी, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, बलवंत नारायण दीक्षित फुल नेम। तो वो बड़ा प्यारे इंसान थे, वो हमारा टूर लगाते थे, कभी 18 कॉन्सर्ट, 20-22 कॉन्सर्ट का टूर लग रहा है। तो ये सिलसिला हमारा 89 से शुरू होते होते समझ लीजिए हर साल आते थे यूएस। तो 93 में कुछ ऐसा संजोग बना, तो हम उस समय हैलिफैक्स नोवा स्कोशा की तरफ थे। अच्छा। तो विशु भाई ने मेरे को बोला, तो बोले पिंकी यार एक रिकॉर्डिंग कंपनी है वाटर लिली अकूस्टिक्स, वो सेंटा बाबरा में है, तो वो एक रिकॉर्डिंग चाहते हैं। राय कोडर एक नामी ग्रामी इंसान है अमेरिका के, तो कुछ ऐसा करोगे? तो मेरा शादी 92 में हुआ, तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी उस समय। तो मैंने बोला चलो करेंगे, तो क्या करना है? बोले कि एल्बम करनी है और पैसे वो बाद में देंगे या फिर वो रॉयल्टी बेस में। कहा रॉयल्टी वॉल्टी मुझे वो बाद में देखेंगे, मुझे तो कैश मिल जाए। तो खैर वो बात होगी। तो पहुँचे सेंटा बाबरा चर्च में, रिकॉर्डिंग हुई वो, और कोई उसमें मतलब आर्टिफिशियल साउंड नहीं, पूरा एक्चुअल। जैसे वो भी रायकुडर साहब भी जब आए गाड़ी से 7-8 गिटार लेके, वो बड़ा मज़ा वो भी जैसे ही। तो विशु भाई थोड़े से राजस्थान के हैं, थोड़े नर्वस हो गए, तो वो उनका एक स्टाइल है ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे बाल को ऐसे करते हैं वो। तो मैंने बोला विशु भाई बात ऐसे तो आप बजाइए कुछ। तो बोले यार ये 7-8 गिटार लेके आ गए और हम क्या करेंगे? मैं कहा पहले इनका सुन लीजिए, अब वो लगे अपना जैमिंग यहाँ का जो अमेरिकन स्टाइल है। तो मैंने बोला देखिए हम लोग हिंदुस्तानी हैं, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं, तो आप कुछ अपना रंग दिखाएं। तो उन्होंने फिर अपनी चायती है ना, कुछ कजरी कुछ ऐसा कुछ चोच अंग उन्होंने, क्योंकि इनकी गिटार का एक और भी है, बिकॉज ही एडेड सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स सो मोर पावरफुल साउंड। तो उनको जब उन्होंने अपना छेड़छाड़ किया, तो फिर रायकुडर ऐसे बैठ गए। तो बोले ओ मिस्टर विश्वा मोहन, आई नीड एटलीस्ट 3-4 मंथ्स टू अंडरस्टैंड योर म्यूजिक। तो खैर किसी न किसी तरीके से वो रेडी हो गए रिकॉर्डिंग के लिए। तो रात को रिकॉर्डिंग होती थी और फिर अगले दिन पूरा दिन हम लोग आराम करते थे। तो वो फाइनल जब हो गया, तो ये नॉमिनेशन के लिए जाता है वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में, इसका मतलब नॉमिनेट हुआ। तो 1994 5th ऑफ मार्च ये न्यूयॉर्क रेडियो सिटी थिएटर में इसका ग्रैमी का फिर वो फंक्शन होता है, जिसको के पूरी दुनिया ने बहुत पसंद किया। हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए है ना, तो लोगों तक पहुँचे, तो आज भी लोग उसको याद करते हैं, ए मीटिंग बाय द रिवर। तो वो बहुत अच्छा एक सौभाग्य मिला। तो ये भी विश्वा मोहन भट्ट जी का बहुत योगदान है, और रायकुडर उनका बेटा जोशिम। तो हम लोग 4 जने हैं उसमें, तो खुशी की बात है। उसके बाद पंडित रविशंकर जी, वो हमको लॉस एंजलिस में वो जो मोमेंटो देते हैं उसमें अपने बीटल्स है ना, जॉर्ज हैरिसन वो भी आए हुए थे। तो लॉस एंजलिस में भी तो पंडित जी ने भी कहा विशु अब ग्रैमी हो गया, अब गाने बजाने पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, शोहरत तो इज्जत वो थोड़ा सा घुमा देती है बंदे को, तो वो जमीन से जुड़ के रहना, फिर गुरु लोग जो है ना वो अपने आप ही वो टाइट कर देते हैं, जो अच्छा शागिर्द होता है ना वो इशारा समझ जाता है। तो हमारे नसीब में देखिए रॉयल फैमिली से रात को ही बात हो रही थी, हम कहीं बैठे थे, तो मैं कहा कुछ नसीब की बातें होती हैं, कहाँ जहाँ हमारी पहुँच नहीं है वो गुरु के आशीर्वाद से कृपा से वहाँ रॉयल फैमिली के साथ हमने डिनर 1-2 बार किया। प्रिंस चार्ल्स अभी तो किंग हो गए है ना, प्रिंसेस डायना कितनी खूबसूरत महिला थी अपने टाइम में, उन लोगों के सामने है ना बैठने का सौभाग्य मिला। क्वीन के बर्थडे पे हाउस ऑफ कॉमन में, क्योंकि लास्ट 35-36 साल से मैं इंग्लैंड में हूँ, तो बस किस्मत दाना पानी वहाँ लिखा हुआ है। हिंदुस्तान को मिस करता हूँ, अपने लोगों को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि हर साल जाके अपनी सेवा करूँ और सेवा दूँ। कलकत्ता में जाना बड़ा पसंद है मुझे, आप तो बंगाल से ही तो हैं, है ना, तो बड़ा प्यार मिला है बंगाल से मुझे। आप इतनी सुंदर बातें कर रहे हैं, और
हमारे दर्शकों को वैसे ही बहुत छोटे छोटे संदेशों में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मगर फिर भी आपको क्या लगता है युवा वर्ग के लिए अगर आप एक संदेश दें जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरी होता है गुरुओं से कुछ मिल पाए? मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ भी करो शिद्दत से करो, मोहब्बत से करो, क्योंकि वायलेंस से बचो। अभी एक मैं न्यूज़ देखा था ट्रंप जी के साथ जो हुआ, ये बुरी बात है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना प्यार बांटोगे उतना ही प्यार मिलेगा। एक ज़िंदगी है भाई, प्यार से बड़ी बात कुछ नहीं है। ईर्ष्या द्वेष से निकल जाओ, क्योंकि अपने आप को मोहब्बत करो, अपने आप को देखो, है ना, अपनी सराउंडिंग को देखो। लड़ाई से कुछ हासिल ना तो हुआ है ना ही होने वाला है। ये चाहे हम इस कंट्री की बात करें, हर नेशन की बात करता हूँ, जब जो हमारे में दरिंदगी ख़त्म हो जाएगी ना, ईर्ष्या जेलसी ये ख़त्म हो जाएगी, हमारा ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो इसकी कोशिश करनी है हम सबको मिलके के भी मोहब्बत कर लें। संगीत का तो यही तो प्रयास, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोहब्बत से ठीक रहता है काम। क्या बात है। जाते जाते उस्ताद जी, अगर आप हमें कुछ सुनाएं आशीर्वाद स्वरूप। अरे वाह वाह वाह। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खूबसूरत, इतनी अच्छी बातें की आपने, और साथ में हमें आशीर्वाद स्वरूप जो आपने सुनाया भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी के साथ आज की यह कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.